जो किशनगढ़ में आर के कॉलोनी के नाम से फेमस है हमारी कॉलोनी, एक तरह से मैं इसे किशनगढ़ की सिविल लाइन्स भी बोल सकता हूँ, लेकिन इस कॉलोनी की दुर्दशा इतनी गंदी हो रखी है कि यह एक लो कैटेगरी की और छोटी झुग्गी कॉलोनी टाइप की कॉलोनी बनी हुई है। यहाँ सीवरेज की जगह जगह लाइनें बिछा रखी है, उनको वापस नहीं बुरा गया है, और चैम्बरों के ढक्कन जो हमें खुद को हमारे द्वारा उखाड़ने पड़ते हैं, घरों में पानी अंदर जा चुका है। कल रात की छोटी सी बारिश के अंदर ही हालत इतनी ख़राब हो गई कि यहाँ आप देख सकते हैं, अभी आपको हमारे सम्मानित पत्रकार महोदय दिखाएंगे कि यहाँ क्या हालतें हैं। हम कॉलोनी वासी इतने परेशान हो चुके हैं, नगर परिषद को बोल दिया, पार्षद को कहते हैं, पार्षद जी खुद यहाँ आके खड़े हो जाते हैं हमारे साथ में, नगर परिषद को कोई मतलब नहीं है, एक्सीएन जेईएन और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। किशनगढ़ को हम लोग स्मार्ट सिटी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन किशनगढ़ स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी? स्मार्ट सिटी बनने के लिए किशनगढ़ में कुछ तो होना चाहिए ना, ये देख सकते हैं आप हालत। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल है, भ्रष्टाचार इसमें सर्वोपरि है। मैं भ्रष्टाचार को एक नंबर पे लेता हूँ। नगर परिषद में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है कि मैं उनको अली बाबा 40 चोर वाली संज्ञा देता हूँ। अब अधिकारी हैं क्या आश्वासन दे रहे हैं? अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे सकते हैं हमें, अधिकारी हमारी काम नहीं कर सकते। यहाँ से मैं आपको इस बात का प्रूफ दे सकता हूँ, दिलीप कॉलोनी आर के कॉलोनी के लेटर पैड पे कई बार लिखित में हम लोगों के द्वारा सूचना दे दी गई थी नगर परिषद किशनगढ़ को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह बारिश के पहले की बात बता रहा हूँ, बारिश के बाद की बात तो अभी तो राम मालिक है। यहाँ अंधेरी नगरी और चौपट राजा वाली कहावत है, हम किशनगढ़ को स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी ये नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। आपका नाम? गोविंद प्रताप सिंह राठौड़ मेरा नाम है, मैं वार्ड नंबर 53 से हूँ, इसी कॉलोनी से।